हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में और उसके केमिकल नाम के बारे में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे पास कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं और उनके नाम जानेंगे कि केमिकल नेम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन हमारे कितने प्रकार के होते हैं और उनका नाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताएँ कि हमारे विटामिन 13 प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं, और हमारे विटामिन्स के जो नाम है वो हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं और हमको आप और हम आपको बता दे रहे हैं कि विटामिन्स के नाम क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे उसके केमिकल नाम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। हमारा विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, और विटामिन डी होता है, और विटामिन ई होता है, और विटामिन के, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ये हमारे विटामिन ए सी डी ई के, ये हमारे विटामिन्स होते हैं। और हम बाकी के जानेंगे कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है जिसका नाम होता है बी, और इसमें काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं। हमारे 8 तरीके के इसमें पाए जाते हैं विटामिन्स, जैसे कि B1 है, विटामिन B1, विटामिन B2, और विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। ये हमारे विटामिन के 8 तरीके के विटामिन्स हो जाती हैं। तो अब हम देखते हैं इसके केमिकल्स नाम क्या हैं। तो विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है वो हम लिख दे रहे हैं, तो इसका नाम होता है रेटिनॉल। ये विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। और जो विटामिन सी होती है विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसको हम विटामिन सी बोलेंगे। और जो विटामिन डी होती है, जो विटामिन डी उसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ये हमारा विटामिन डी का नाम होता है। और विटामिन जो ई होती है उसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, जो विटामिन ई होती है उसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, और जो विटामिन के होती है उसको बोलते हैं नैप्थाक्विनोल और फाइनोक्विनोन बोलते हैं इसका नाम, जो विटामिन के है। अब हम बात करते हैं जो कॉम्प्लेक्स विटामिन है बी, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उनके नाम जानेंगे और उसके केमिकल नेम जानेंगे। इसमें जैसे थायामीन दिखाया जा रहा है, जैसे कि हमने बताया ये है हमारा विटामिन बी, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। अब हम देखेंगे इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमारा विटामिन B1 है, विटामिन B1 है, इसको हम थायामीन बोलेंगे, जो विटामिन B1 है। और जो विटामिन B2 है, विटामिन B2 है, इसको राइबोफॉबिन बोलेंगे, जो विटामिन B2 है उसको हम राइबोफॉबिन बोलेंगे। अब हम देखते हैं विटामिन जो B3, जो विटामिन B3 है उसको हम निकोटिन एसिड बोलेंगे और नियासिन बोलेंगे, इसके दो नाम्स हो जाएंगे। और भी काफ़ी सारे विटामिन्स के कईयों नाम हैं, लेकिन हम इसको जो मेनली यूज़ करते हैं उसको हम वही लिखेंगे। तो जैसे विटामिन B3 है तो इसको निकोटिन एसिड बोलते हैं और नियासिन बोलते हैं। और विटामिन B5, जो विटामिन B5 होता है ये पैटोथेनिक एसिड बोलते हैं, जो विटामिन B5 होता है उसको पैटोथेनिक एसिड बोलते हैं। और जो विटामिन B6 होता है, जो विटामिन B6 होता है पाइरिडॉक्सिन बोलेंगे इसको, विटामिन B6 को। और जैसे विटामिन B7 है, विटामिन B7 है उसको हम बायोटिन बोलेंगे, इसको हम बायोटिन बोलेंगे, जैसे विटामिन B7 है उसको हम बायोटिन बोलेंगे। और जो विटामिन B9 है इसको हम फॉलिक एसिड बोलेंगे, जो विटामिन B9 है इसको हम फॉलिक एसिड बोलेंगे। और जो विटामिन B12 है उसको हम साइनोकोवेलेमिन, जो विटामिन B12 है इसको साइनोकोवेलेमिन बोलेंगे, विटामिन B12 है इसको साइनोकोवेलेमिन, जो विटामिन B12 है उसको साइनोकोवेलेमिन बोलेंगे। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।